सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस गैंग ने दी थी 25 लाख रुपए की सुपारी। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की थी तैयारी। एक्टर सलमान खान की हत्या की कोशिश के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में पुलिस ने खुलासा किया है कि सलमान के मर्डर के लिए लॉरेंस गैंग ने 25 लाख की सुपारी निकाली थी। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के बीच सलमान के मर्डर की साजिश रची गई थी। लॉरेंस गैंग के 60 से 70 लोग सलमान की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। सलमान के घर, उनके फार्म हाउस और गोरेगांव फिल्म सिटी तक हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि सलमान खान पर हमला करने के लिए लॉरेंस गैंग ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हें श्रीलंका भेजने का भी प्लान था। निज्जर हत्याकांड पर कनाडा के पीएम ट्रूडो के बयान पर विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार, कहा सिर्फ बातें की, नहीं दिया कोई सबूत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक टकराव पर कई बातें कही गईं। जायसवाल ने कहा कि सितंबर 2023 के बाद से कनाडा की सरकार ने हमारे साथ कोई जानकारी साझा नहीं की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने गंभीर आरोप जरूर लगाए, लेकिन एक भी सबूत साझा नहीं किया। और उनके कल के बयान से भी यही साबित होता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। जो अलगाववादी ताकतों को जो बढ़ावा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये फ्रीडम स्पीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी है, आप जानते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ किया गया कि विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के दौरान क्रिकेट को लेकर कोई बात नहीं हुई। ABP News आपको रखे आगे।